नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। नगर निकाय चुनाव की तैयारी के चलते बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद व लोकसभा सांसद प्रयागराज मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद खरवार प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर वार्ड क्रमांक 59 के प्रत्याशी निखत फातिमा पति अब्दुल रहमान हबीब व बसपा वरिष्ठ नेता मोहम्मद बेब ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नगर निकाय चुनाव के चलते बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रयागराज मंडल में एक एक वोट, एक एक वार्ड, हर नगर पंचायत, नगर पालिका में बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बहुजन पार्टी का होगा और पूरे प्रयागराज मंडल में भारी तादाद में चेयरमैन व नगर पालिका के अध्यक्ष व सभासद बहुजन पार्टी के होंगे। वहीं जीत कर नए साल व जन्मदिन के अवसर पर बहन को तोहफा देंगे। जी घनश्याम जी, जो नगर निकाय चुनाव के लेके चलते तैयारी क्या चल रही है आपकी? बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रयागराज मंडल में एक एक बूथ, एक एक वार्ड, एक एक नगर, नगर पंचायत, नगर पालिका में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी को होगा और पूरे प्रयागराज मंडल में बहुजन समाज पार्टी के भारी तादाद में चेयरमैन, नगर पालिका के अध्यक्ष व सभासद जीत करके माननीय बहन जी को हम लोग नए साल में हम लोग जो है बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है हम लोग जो है बहन जी को खुशी इजहार करेंगे और माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रयागराज मंडल से भारी सीट जीत करके माननीय बहन जी के जन्मदिन पर हम लोग तोहफा देने का काम। 2007 में 7 से 12 तक जो है माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में चाहे नौकरी के का मामला रहा हो, चाहे लाइन ऑर्डर का मामला हो, बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार के शासनकाल में लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया था और ठेकेदारी में भी आरक्षण देकर के जो है गरीबों को माननीय बहन जी ने रोजी रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया था। चाहे मानवर कांसीराम शहरी आवास रहा हो, चाहे माता सावित्री बाई फूले के तहत बहनों को एक साइकिल और 25,000 रुपये का मामला रहा हो, बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे रोडों को जाल रहा हो, चाहे स्कूल कॉलेज रहा हो, चाहे लाइन ऑर्डर के मामले में हो, बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत विकास किया है। आने वाले समय में फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा विकास किया जाएगा। अब्दुल जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? मैं वार्ड नंबर 59 नीम सराय अब्दुल रहमान हबीब। मैं लगभग 5 साल से वार्ड नंबर 59 नीम सराय में लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ। जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो मेरे बस में है, मैं काम कराने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इस बार अगर वार्ड नंबर 59 की नीम सराय की जनता अगर मुझे पार्षद बना के नगर निगम सदन में भेजने का काम करती है तो वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रोड का हो, नाली का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, उस सारी समस्याओं को दूर करूंगा और पूरा प्रयास यही होगा हमारा।